कांकेर जिले में कार्यक्रम के तहत भाजपाई पहुंचे विभिन्न गौठान। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सतीश लाठिया के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार के पोल खोलने के लिए चालबो गोठान खोलने पोल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 4.5 वर्षों के दौरान भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का नया अध्याय लिखा। मुख्यमंत्री जिन गोठानों को छत्तीसगढ़ का विकास का मॉडल बताते हैं, वास्तव में कांग्रेस के भ्रष्टाचार का मॉडल है। गोठानों के माध्यम से कांग्रेस सरकार ने अरबों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में गोठान भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया और भ्रष्टाचार के इन्हीं अड्डे को जनता के सामने उजागर करने चलबो गोठान खोलने पोल कार्यक्रम तहत चलाया जा रहा है। इसी के तहत ग्राम पंचायत भावगीर नवा गांव गोठान का निरीक्षण किया गया, जिसमें मवेशियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी व केचुआ खाद बनाने के लिए नहीं था, जहां गोठान पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। जिसके बाद इच्छापुर इरादहा सिंगारभाट गोठान पहुंचे, जहां भी कोई व्यवस्था नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी अभी चलबो गोठान खोलबो पुल, भूपेश सरकार है भूपेश बघेल जो दावा करते कि मैं हर गाँव में गौठान बनाया हूँ और हर गौठान में 19 लाख रुपया पैसा गौठान ला दे के काम करे हूँ, तो एक बार हमने पता लगाया है कि भाई 19 लाख रुपया गौठान ला मिली इसके नहीं मिले। पहली बात तो ये कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो गौठान बने थे ओकर बर कोई समुचित व्यवस्था नहीं, व्यवस्था माने बजट भी नहीं है। 14वें वित्त 15वें वित्त नरेंगा के पैसा मोदी जी के पैसा के आके पैसा के दुरुपयोग यहाँ पे होते। हमन ये घोटिया नवा गाँव भावगीर के ये गौठान है और गौठान में हम आए हैं। ये दीदी गंगा जमुना है ना, गंगा जमुना समूह वाले मने इकर मन से हमन बात करें कि बोले हमला तो हर महीना 10,000 जो पैसा है तो कर पता ही नहीं चले। आप खुद देखो कैमरा के माध्यम से कि पूरा वीरान पड़े हुए, यहाँ कोई गोरु गाय नहीं है, है ना। खत्तू बनाते थे आधा रेतील डाल दे हैं, ये मिला कथन तो तुमन तो 10-10 हज़ार हर महीना मिलते यहाँ के समिति वाला मला। बोले भैया हमन नहीं जानन, तो हम मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन ये तस्वीर थोड़े झूठ बोली, ये गाँव वाला मन थोड़े झूठ बोली, दीदी मन गाँव में पसीना में यहाँ पे आते हैं ये मन थोड़े झूठ बोली। गोबर का पैसा नहीं मिले, कहते हैं कि गोबर ला बेच के किसान ट्रैक्टर ले डारी, समूह वाले मन ट्रैक्टर ले डारी कार ले डारीन, मने बेरोजगार दूर हो गए बेरोजगार, तो वैसे हालत तो मन कहीं भी दिक्कत है। और ओकरे से हम आ जाए कि सरकार जो झूठा लबरा सरकार जो है झूठ बोले पर माहिर है और अपन ला अपना किसान के बेटाओं को गुरु गाय के जो चिंता नहीं कर सके, रोका छेका अभियान चले जाए पूरा गुरु गाय गरवा रोड में दिखे, एक ठन गौठान में नहीं दिखे। तो गौठान के व्यवस्था करे से करे कि गौ माता वहाँ गौठान में रहे, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, चारा की व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ पानी नहीं है ना चारा भी नहीं है, एक बोझा पेरा नहीं है यहाँ पे। अभी दीदी मन हाई कर से पूछ सकते हो आप बता दिए मना बाकी है नहीं मिले है। कब मिले रहे 1200 रुपया? बहुत दिन के बाद है। कितना दिन हो गया? कतिक दिन हो गए? कतिक लावे नहीं जाना जो गोबर लाते हो? नहीं लाते। हां नहीं ला। अच्छा हर महीना आप लोगों को 10,000 मिलते हैं बोलते हैं, मिलता है क्या? नहीं है ना ही नहीं जाना। जो संगठन बनाया हूं क्या बोल रहे हैं वो समिति बताओ। हां समिति नहीं नहीं जाना ना वहां नहीं मिलता पैसा? नहीं नहीं। क्या-क्या सुविधाएं यहां क्या-क्या है? यहां का है कुछ तो नहीं है। जैसे क्यों गोठान बनाया है, पानी पीने के लिए बनाया है, ऊंचा खाद्य के लिए बनाया है, वो सब काम होता है कि नहीं होता है? नहीं होते कि नहीं होते तेल नहीं जाना हवन है, खत्तू बना था ना ओकरेज बाजार था। अच्छा हां बाकी साग सब्जी बोते तब नहीं आना हवन, लेकिन यहां तो पूरा देखो जर्जर है पूरा, मतलब कोई हाँ। स्थिति नहीं है ना पानी के रख रखाव है ना गाय हाँ। लोग आते हैं? हाँ गाय मन अभी नहीं आ जाए पूरा छेला छोड़े है, बरसात दिन में आती है। जो सुविधाएं होनी चाहिए गोठान में वो कुछ भी नहीं है, और जितने भी यहाँ पे कार्य हुआ है जैसे आप जो भी देख रहे हैं यहाँ पे अधूरे कार्य है, वो भी या तो 15वीं के पैसे से या फिर मनरेगा के द्वारा, हमारे राज्य सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं कराया गया है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। और जो कि जानवरों की बात है तो यहाँ पे अभी कोई जानवरों का रहन सहन का कोई वो नहीं है, खान पान की कमी है। महिलाओं को कुछ 10,000 साल प्रति माह मिलना था, वो मिलता है क्या पैसा वगैरह? मिलता होगा लेकिन हमको तो कोई अभी तक पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। और क्या 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 देखो गोठान में अगर देख यहाँ देखेंगे तो ना है गाय है ना पशु है, यहाँ की स्थिति भी बहुत परिस्थिति खराब है जी, क्या कहेंगे जी? वही है कि अधूरा कार्य अधूरा सामान, ये काम किसी और का और नाम किसी और का, राज्य सरकार अपने नाम के तहत ये सब करना चाह रही थी लेकिन अब देखा जाए तो जो कार्य करना था वो कोई किसी भी एंगल से ये कार्य पूरा नहीं है, ये अधूरा कार्य है और करना है तो पूरा करिए या तो मत करिए। क्या आपको लगता है कि हर गोठानों में गोठानों का घोटाला हुआ होगा या भ्रष्टाचार हुआ होगा? 100% घोटाला है, आप कहीं भी सर्वे करके देख लीजिए।
आप किसी भी आप यहाँ पे सरपंच या सचिव से पूछ के देखिए कि टोटल घोटाला है, जितने पैसे की यहाँ बात करते हैं वहाँ एक पैसा यहाँ पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, यहाँ की बात नहीं हर गोठान की बात है। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।